Assalamualaikum, welcome to the new vlog. और आज का vlog है, as we all know about के रबीउल अव्वल चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल आ रही है, समझे कल ही है, और उसकी क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ अभी. मुझे तो खैर अभी काम है, मैं काम के सिलसिले में जा रही हूँ. ये यूनिफॉर्म में है, इनको मैंने शर्ट पहनाई थी यूनिफॉर्म, क्योंकि इनकी हमें पिक्चर खिंचवानी है, स्कूल में मांगी थी इसलिए मैंने इनको यूनिफॉर्म पहना दिया और ये पिक्चर खिंचवाने जा रही हूँ. और ये समझ रही हैं कि मैं इनको अभी से स्कूल छोड़ रही हूँ. अभी आपको नहीं दिखेगी मेरे ब्लॉग्स में, है ना उसको छोड़ दूँ? नहीं छोड़ू. अरे अभी तो स्टार्ट है. चलें जी चलते हैं और देखते हैं कि भाई बाहर आज रोडों पे क्या तैयारी शैयारी है. नहीं वाला बकतल्ला माशाल्लाह सीख लिया भाई, उस वाले स्कूल जाके कुछ तो सीखा है. चलो टाटा बाय बाय कर दो. टाटा बाय बाय लव यू मोटा दे. तो भाई हम लोग निकल गए थे और ये बिरयानी की नई दुकान हमारे सोसाइटी में ओपन हुई थी. अब तो मौजे मौजे हो गई हैं भाई, जब बिरयानी का दिल जाएगा यहाँ पर बैठ के खा लेंगे. और साथ ही साथ हम लोग बाहर जा रहे थे और इसमें बड़ी प्यारे से सजाया हुआ था एंट्रेंस पे, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी दरख्तों पे और पोल्स पे, अच्छे तरीके से उन्होंने ना ग्रीन और वाइट लाइट्स लगाई हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था. और बहुत से घर भी सजे हुए थे अंदर ही सोसाइटी के, इतनी अच्छी लाइटिंग थी कि यार हमें कहीं बाहर देखने जाने का हुआ ही नहीं कि क्या बाहर जाके देखें. कि घर में बहुत अच्छा, ये बड़ा घर था, बहुत अच्छा सजाया हुआ था और एक ही गली में घर थे दोनों ही. मुझे ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे सजे हुए. पहले तो यार यही शौक होता था कि रात को निकल के गाड़ियों में और देखने जाते थे, अब तो ये कि आसपास अपनी सोसाइटी में इतने घर सजे हुए थे कि हम लोगों ने फिर वही देख लिए कि वो कैसी अच्छी रौनक माशाल्लाह से हुई हुई थी. बच्चे भी हैरान थे कि मम्मा ये सब क्यों सजा हुआ है. मैंने कहा भाई ये 12 रबीउल अव्वल की खुशी में लोगों ने अपने घर सजाए हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे, रौनक थी बहुत अच्छी कि लग रहा था कि हाँ कुछ है और अच्छा सजाया हुआ था माशाल्लाह से छोटी सी. चले अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि बाहर क्या रौनक है, किस तरीके से. मैं फिर बाहर का भी आपको दिखाती हूँ. A few moments later. यहाँ पर बाहर हम लोग एक जगह बैठ के डिनर कर रहे थे तो देखा बाहर यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था. बच्चे भी खुश हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डर रहे थे. अब खैर यहाँ से अब चलते हैं घर, घर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे सुबह का सीन. सुबह का सीन ये है कि मुझे जाना अपनी मम्मा के घर, तो वहाँ चल के देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ होता है. तो चले जी अब सुबह मिलते हैं आपसे. Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग. रात भर जो कुछ हुआ, लाइट्स मैंने जो थोड़ी बहुत हो रही थी ये मैं सब आप लोग को दिखाई. जो है सुबह का टाइम है और मैं सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दिया. ये गए हुए थे हस्बैंड मेरे ऑफिस आज, उनकी थी एक्सपो तो वह वहाँ चले गए हैं और मैं इस वक्त बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ बच्चों. और इसी के साथ साथ मीठे की तैयारी कर रही हूँ. मैंने सोचा आज मैं खीर बनाती हूँ, अच्छी सी बादामी खीर, तो उसके लिए मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया था. साथ साथ नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा साथ साथ दूध भी बॉईल हो जाएगा, चावल बॉईल हो जाएंगे, फिर उसका पहले इन लोगों को नाश्ता करा दूँ, फिर बाद में खीर को सही से पकाना शुरू करूँगी. मैं शामिल हो गया है. क्या हो गया, मुर्गे से लड़ रहे हो? ये देखो छोटे छोटे से मुर्गे, इनको खाना डाल रहा है. अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं. चलो बैठो, चलो जल्दी से खाओ. स्लाइस नहीं दे रही लेकिन पराठा तो दे रही हूँ ना, चलो जल्दी से खाओ. यहाँ पे मैं खीर की तैयारी कर रही थी और फिर मुझे पापा का फ़ोन आया कि वो जल्दी ही आ जाएंगे. मैंने कहा यार अभी तो मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन खैर मैंने बच्चों को नहलाया जल्दी जल्दी. अब यहाँ पे खीर ऑलमोस्ट मेरी तैयार हो गई थी, बच्चों को तैयार कर दिया था, अब मैं अपनी तैयारी करूँगी साथ साथ. और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गई थी, बस इसे पकना था. मैं ये अम्मी को दे दूँगी और बच्चे मेरे यहाँ पे तैयार हैं. शामिर भी तैयार हो गया है माशाल्लाह से, इसको भी मैंने शलवार कमीज़ बनाया और उस वक्त इसके लिए मैंने ये ड्रेस ले लिया था कल, क्योंकि इनके पास शलवार कमीज़ ख़त्म हो गए थे. मैंने कहा चलो आज इनको ये पहना देती हूँ, लेकर आई थी. अब ये भी तैयार है, अब मैं भी तैयार होंगी और पापा का वेट है, पापा आएँगे और फिर मैं वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या करते हैं हम. ठीक है तैयार हो गई.
यहाँ एज यूजल मेरे बच्चों ने चीज़ की फरमाइश कर दी थी और पप्पा यहीं मार्ट से हमें चीज़ दिलाते हैं इन लोगों को, और ये लोग रास्ते भर खाते हुए जाते हैं, बस फरमाइश होती है पप्पा दिलाते हैं। ये मैं भी तैयार हो गई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और ये मेरी छोटी सी क्यूटी पाई, ये भी तैयार थी, कहती है मेरी लें तस्वीर, और जब मैं लेने लगती हूँ तो ये शर्मा जाती हैं। चले भाई, अब रास्ता भी इतना लंबा था लेकिन सन्नाटा था रोडों पे, ये बस थोड़े बहुत जुलूस वाले ट्रक घूम रहे थे, और बस घर की तरफ रवा दवा है मम्मा की तरफ, और फिर चलते हैं वहाँ पे और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या मम्मा ने बना ली और क्या बनाएंगी। ये मैं आ गई थी घर के अंदर। और जी यहाँ पे क्या बन रहा है, माशाल्लाह यहाँ मम्मा जर्दा बना रही हैं भाई, बिरयानी का भी शायद हो गया, अभी जर्दा बन रहा है और ये यहाँ तैयार हो गया। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार लग रहा है। जी यहाँ पे मैं आ गई थी मम्मा के घर, और क्या क्या तैयारी हो रही थी, क्या क्या बन रहा था, वो सब मैंने आप लोगों को दिखाया। अब चलें, दस्तरखान लग रहा है, खाना खाने बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, फिर बांटने जाना है वो बांटेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ गई हूँ और खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे मामुओं ने क्या क्या माशाल्लाह से तैयारी की है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। और शाम में जाना है बड़े वाले मामू के घर, पीछे गली में रहते हैं उनके घर जाएंगे, उन्होंने शाम के खाने पर बुलाया, और छोटे वाले मामू क्या बनवा रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये लोग यहाँ पे अभी खाना खा रहे हैं और फिर मैं चलती हूँ खाना बांटने। मम्मा निकाल रही थी प्लेटों में, वो निकाल के रखा है, चलें भाई बांटना शुरू करते हैं। आज मम्मा ने न्यास के लिए ये दो चीज़ें बनाई हैं, इसको भी चलो भाई छत पे पकड़ो। ओहो हाँ यार, ढक दें फिर, अच्छा नहीं लगेगा। चेकअप नहीं हुआ ना, आप लोग कह दूंगे कैसी मैं लग रही हूँ ना। पहन ली शूज, चलो ठीक है आ जाओ। आज गर्मी भी बहुत है भाई, इतनी तपती हुई धूप है, शाम में मौसम अच्छा हो जाता है और इस वक्त जो है ना ज़रा गर्मी हो रही है। ये हमारी छत है और हम यहाँ बराबर में। 2000 years later. गाइस गुड इवनिंग, शाम हो गई है, आज लाइट दिखा देंगे। हाँ काफी सारी लाइटिंग हुई है, तो इसलिए मेरा भाई मुझे अरे कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जब तक इन लोगों ने क्या करा, मेरी दोस्तों ने मुझे मेहंदी लगाना शुरू कर दी। ये देखें, एक हाथ पे ये लगा रही हैं और एक हाथ पे मेरे लग चुकी है, और मैंने भी लगाई है इनके हाथों पे। मेहंदी लगानी भी मुझे आती है। अच्छा, ये भी मैंने लगाई है, मैंने भी लगाई। अब ये मेरे हाथ पे ट्राई कर रही है यार, माम सही से लगाना। अच्छा देती हूँ अभी, देती हूँ अभी, हटो तुम गेम खेलो। हाय कर ले भाई, गाली ये लो, जब तक मैच खेल रहे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। ये मेरे हाथ पे लगाई थी वरीशा ने। और यहाँ पर अब ये लगा रही है, अभी एक फिंगर हुई है। यार जल्दी करो, फिर तुम्हारे घर भी जाना है। अभी तो तुम हाथ ही हिला रही हो। लो मैं हिला रही हूँ, ये बच्चे हिला रहे हैं। चलें जी, हो गए थे हम लोग तैयार शियार और अब जा रहे हैं मामू के घर। कैसी लग रही है दोनों की मेहंदी, इन लोगों के हाथों में भी मैंने लगाई थी। क्या गए, अब चलो भाई सब मिलके ही चलते हैं फिर एक साथ ही मामू के घर पे। अस्सलाम वालेकुम, सो बाबा आ गए, चले हम मामू के घर। चलो भाई, अरे हमारे घर के बच्चे आ गए आप। अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम मामू के घर। चलो भाई माम, स्वागत नहीं करोगी हमारा? वेलकम। मामू लोग तो पहले ही आ गए। वाह भाई माम, जबरदस्त अच्छा लग रहा है, बेड नया लिया है ना? हाँ। तुम्हारा रूम है ये? यस। जबरदस्त। और ये भाई वाह जबरदस्त, तुमने अच्छा रेनोवेट कर लिया, बहुत प्यारा लग रहा है, कलर कंट्रास्ट जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया था, सबसे पहले जेंट्स खा लेंगे और फिर उसके बाद लेडीज आएंगे। मामी ने बड़े मज़े की बिरयानी बनाई थी, पुलाव बिरयानी माशाल्लाह से, और इसके साथ साथ रायता और सालन में थी ये कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। अब चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ दूसरे मामू ने क्या बनवाया था खाना। जब तक ये लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग चल के ये देख लेते हैं कि वहाँ के पे क्या तैयारी हुई, उन्होंने क्या बांटा, किस तरीके से करा। तो चले आए यहाँ पे, जब तक ये लोग खाना खाते हैं हम लोग चलते हैं आगे देखने।
इन्होंने बनवाए थे ये पकवान वालों से बीफ कोरमा और मज़ेदार सा स्पेशल देसी घी वाला सूजी का हलवा। यहाँ ये बिरयानी कोरमा बन रहा है और इधर सूजी का हलवा बन रहा है और यहाँ पे सब चीज़ें बन के तैयार हो गई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र ना लगे सब सप्लाई के लिए बट रहा था, डिब्बे बन गए थे सबके, हम सब घरों पर बांटने के लिए मामू ने रखा। थैंक यू सो मच मामू, बहुत मज़े का खाना था, मज़ेदार मज़ेदार। यहाँ पर जब हम लोग खाना खाने बैठे जेंट्स फारिग हो गए थे तो फिर मामू ने बोला कि यार हलवा तो चखो सब मिल के, तो फिर जो वो मामू के घर उनका हिस्सा लेके आए थे वो उसमें से हम लोगों ने सबने चखा। मैं यहाँ पे सब वो पहले उनको निकाल के दे रही थी बारी बारी और बहुत मज़े का था। थोड़ा सा ही खाया था कि मैंने कहा यार घर जाके आराम से खाएंगे, अभी तो पेट इतना भर गया था, दूसरी मामी ने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था वो खा के ही पेट भर गया था। और इसी के साथ साथ ये कोरमा था, बादामी कोरमा, ये भी बहुत मज़ेदार था। अब ये खाएंगे, ट्राई करेंगे। ये मुझे दिखा रही थी निवाला, ये आप ही खा लूँ, बहुत मज़े का है माशाल्लाह, बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत मज़ा आया। चलें अल्लाह हाफिज़, चलते हैं अब घर की तरफ। चलो भाई जी, दावत से भी फारिग हो गए, अब टाइम है घर जाने का और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।